ओके फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर टू का रिवीजन। तो जल्दी से देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें न्यूटन के तीन लॉ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो मुझे फर्स्ट लॉ न्यूटन का क्या पता है, अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट द स्टेडी ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेडी एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यू इट्स मोशन, राइट। सेकंड लॉ मुझे क्या बोलता है, द चेंज इन डीपी मीन्स मोमेंटम, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट ऑन इट। और तीसरा लॉ मुझे क्या बोलता है, सबसे इजी है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। और वी कैन ऑल्सो से दैट द दो फोर्स, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी मैं दीवार के ऊपर कुछ भी फेंकता हूँ, सपोज हम कोई गेंद ले लेते हैं, बॉल ले लेते हैं, जिसका जितना जोर से मैं उसको फेंकूंगा उतना ही मुझे क्या मिलेगा, रिएक्शन। तो ये न्यूटन के तीन लॉ है। न्यूटन ना त्रण नियम, हवे गुजराती में आपणे जोईए, पहलो नियम मने शुं कहे, ज्यां सुधी कोई पदार्थ पर चोख्खुं बाह्य बळ ना लागे त्यां सुधी स्थिर पदार्थ से मारे स्थिर अवस्थामां, अने गतिमान पदार्थ पोतानी गतिनी अवस्था जाळवी राखे। बीजो नियम शुं कहे, डीपी वेगमान, एटले पदार्थ, डीपी एटले पदार्थना वेगमानमां थतो फेरफार, डीटी एटले समयमां थतो फेरफार। तो पदार्थना वेगमानमां समयनी सापेक्षे थतो फेरफारनो दर पदार्थ पर लागता बाह्य बळ जेटलो હોય છે। સમયની સાપેક્ષે એટલા માટે કારણ કે સમય એ શું છે જેને આપણે ચેન્જ નથી કરી શકતા, એ કન્ટિન્યુઅસલી શું થાય છે, ફ્લો થાય છે, ઓકે। અને ત્રીજો નિયમ શું છે કે કોઈ પણ આઘાત બળ હોય તો તેને તેના સમાન મૂલ્યનું મને શું મળે અને વિરુદ્ધ દિશાનું મને શું મળે, પ્રત્યાઘાત બળ। એટલે કે આઘાત બળ અને પ્રત્યાઘાત બળના મૂલ્યો શું હોય, સમાન અને પરસ્પર વિરુદ્ધ। एना पछी आपणे जोईए बळनो आघात, इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो सीम आना परथी ज आपणे डिराइव करवानुं छे, वॉट इज इम्पल्स फोर, इम्पल्स ऑफ फोर्स, डीपी इज इक्वल टू एफ इन टू डीटी। सो इम्पल्स ऑफ फोर्स मीन्स द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट। सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट इज नोन एज इम्पल्स ऑफ फोर्स। पदार्थ पर लागतुं बळ અને તે માટે લાગતા સમયના ગુણનફળને આપણે શું કહીશું, બળનો આઘાત। અને એનો એસઆઈ યુનિટ શું થશે, બળનો એસઆઈ એકમ છે ન્યૂટન, અને સમયનો શું છે, સેકન્ડ। તો એસઆઈ એકમ શું થશે, ન્યૂટન ઇન્ટુ સેકન્ડ। હવે ટાઈપ્સ ઓફ ઇનર્શિયા, સેમ પહેલા લો પરથી જ છે। તો ત્રણ ટાઈપ છે, ઇનર્શિયા ઓફ રેસ્ટ, ઇનર્શિયા ઓફ ડાયરેક્શન એન્ડ ઇનર્શિયા ઓફ મોશન। ઇનર્શિયા ઓફ રેસ્ટ એટલે અનલેસ એન્ડ અનટિલ ધ એક્સટર્નલ ફોર્સ એપ્લાઇડ ઓન એન ઓબ્જેક્ટ ધ સ્ટેડી ઓબ્જેક્ટ રિમેન્સ સ્ટેડી। सिमिलरली इसमें क्या होगा कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन में उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो अपनी मोशन क्या करेगा, रखेगा कंटिन्यू। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई एक डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है या तो अपनी मोशन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब तक मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊँ तब तक वो अपनी डायरेक्शन क्या रखेगा, एज इट इज, राइट। तो ये सिर्फ जो फर्स्ट लॉ है उसके पार्ट करके हमने ये तीन, जो जिसको हम फर्स्ट लॉ हम जो बोलते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया, तो उसके ये तीन पार्ट बेसिकली है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई बार एग्जाम में आता भी है, तो ये आप एक बार जरूर से देख लो